नंबर 3 एडिशन, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द बॉक्सेस. क्या है? फिल इन द बॉक्सेस. तो ये है एडिशन ही है जो हमने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे किए हैं. ओके, तो ये आप अपने आप करोगे. सो ये आपको होमवर्क में जाएगा. जब होमवर्क में आए तब करना है. वीडियो देख के उस दिन नहीं करना है. जिस दिन आपको ये होमवर्क आए आप उस दिन ये क्वेश्चन करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 इतना. ओके, बहुत ही इजी एडिशन है ये. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, एड यूजिंग द नंबर लाइन. एड यूजिंग द नंबर लाइन, ये दोनों का एडिशन करना है. पर ये नंबर लाइन का यूज करके, ये नंबर लाइन का यूज करना है कैसे. 5 + 2 दिया है तो हमें आंसर इस नंबर लाइन में से मिल जाएगा. क्या करना है? 5 दिया है, सबसे पहले जो भी नंबर में ऐड करना है, ये फर्स्ट नंबर जो भी हो वहाँ पे पॉइंट आउट ऐसे कर लेना है. यहाँ पे ऐसे पेंसिल रखनी है. फिर उसमें कितने ऐड करने हैं? 2. तो इसमें 2 जंप लगाने हैं आगे, क्योंकि उसमें ऐड करना है ये 1 और ये 2. 2 नंबर तक जंप लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 5 + 2 दिया है तो जंप लगाना है 2. पॉइंट आउट करनी है पेंसिल 5 पे. 2 जंप लगाने हैं तो ये 1 नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे. तो आंसर हमारा क्या आया? 7. ओके, ये हमने किया एडिशन नंबर लाइन का यूज करके. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7. वेरी इजी. हम ज़्यादा ये करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा पता चलता जाएगा. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 2 + 3. तो सबसे पहले वाला जो नंबर है उस पर पॉइंट आउट करना है. ये मैंने किया, यहाँ पे पेंसिल रखी. फिर दिया है प्लस थ्री दिया है तो मैं उसमें 3 जंप लगाऊंगी 3 नंबर तक आगे, क्योंकि ऐड करना है सो आगे जंप लगाने हैं. ये 1, 3 जंप लगाने हैं. ये 1, ये 2 और ये 3. तो क्या आया यहाँ पे? कौन सा नंबर आया? 5. सो 5 इज अवर आंसर. ओके, ये आपको करने में मजा भी आएगा. ओके, नेक्स्ट 6 + 4 क्या है ये? 6 + 4 तो फर्स्ट नंबर क्या है? 6. तो सबसे पहले 6 पे पेंसिल रख देनी है. फिर प्लस कितने करने हैं? 4. तो जंप कितने लगाने हैं? 4. ओके, आगे 4 जंप लगाने हैं 4 नंबर तक. ये 1, ये 2, 3 और ये 4. तो ये 4 नंबर तक जंप लगाने से हमें कौन सा नंबर मिला? 10. सो 10 इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर किस कैसे आ रहा है? नंबर लाइन का यूज करके, नंबर लाइन में से आ रहा है. ये भी आपको इजी रहेगा. यहाँ पे 6 है, उस पर पॉइंट आउट करना है. फर्स्ट नंबर जो भी हो उस पर पेंसिल रख देनी है. फिर यहाँ पे 4 है तो 4 जंप लगाने हैं. 1, 2, 3, 4. तो क्या नंबर आया? 10. तो 10 इज अवर आंसर. उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट 4 + 3 क्या है? 4 + 3 तो सबसे पहले क्या करना है? 3 पे नहीं देखना है, फर्स्ट नंबर देखना है. यस, फर्स्ट नंबर ही देखना है नंबर लाइन में. यहाँ पे 4, तो 4 पे पॉइंट आउट कर देना है. 4 पे पेंसिल रख देनी है. फिर जंप कितने हम लगाएंगे? तो आगे जो नंबर है उतने 3, हम 3 जंप लगाएंगे आगे 4 से. 1, 2 और ये 3 जंप. तो कौन सा नंबर आया? 7. सो 7 इज अवर आंसर. आपको ऐसे राउंड भी कर देना है. ओके, यहाँ पे लिखना है 7. 4 + 3 इज इक्वल टू 7 होता है. नेक्स्ट 7 + 2 फर्स्ट नंबर कौन सा है? 7 है. तो सबसे पहले 7 पे पेंसिल रख देनी है.
प्लस टू, जंप कितने लगाने हैं? टू, तो मैं यहाँ से आगे टू जंप लगाऊंगी। सेवन पे मैंने पेंसिल रखी है, टू जंप लगाने हैं आगे, ये वन और ये टू। ये जो आप जंप लगा रहे हो ये उसकी साइज इतनी ही होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जंप नहीं लगाने हैं और ऐसे अच्छा दिखे वैसे एक जैसे ही साइज में आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया? नाइन। सो नाइन इज अवर आंसर। सेवन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन होता है। नेक्स्ट, फाइव प्लस वन। सबसे पहले फाइव पे हम रखेंगे पेंसिल और जंप कितने लगाने हैं? वन, ओनली वन ही जंप लगाना है। फाइव से ये वन जंप, तो ये कौन सा नंबर आया? सिक्स। सो सिक्स इज अवर आंसर। डन। नेक्स्ट, जो भी नंबर आए उस पे आपको फिर सर्कल भी करना है। नेक्स्ट, फोर प्लस टू। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, क्या है? फोर है, तो फोर पे पेंसिल रख ही देनी है। फिर जंप कितने लगाएंगे कैसे पता चलेगा? ये दूसरा नंबर देख के हम टू जंप लगाएंगे, यहाँ पे टू। आगे की साइड में ऐसे आगे जाना है क्योंकि हमें ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन की साइन है प्लस की, सो आगे जाना है, जंप हम आगे लगाएंगे। फोर से टू जंप, वन टू, कौन सा नंबर आया? सिक्स। तो फोर प्लस टू क्या होता है? सिक्स। फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स हुआ। उसके बाद सिक्स प्लस थ्री क्या है? सिक्स प्लस थ्री, सबसे पहले यहाँ पे सिक्स, तो सिक्स पे हमें पेंसिल रख देनी है। फिर जंप कितने लगाएंगे? थ्री दिया है यहाँ पे, यस, तो हम यहाँ पे थ्री जंप लगाएंगे। यहाँ से वन टू थ्री, तो कौन सा नंबर आया? नाइन आया यहाँ पे, कौन सा नंबर आया? नाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाइन। सो नाइन इज अवर आंसर। सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन होता है। ये हमने किया नंबर लाइन से, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है एट प्लस वन, क्या दिया है? एट प्लस वन, सबसे पहला नंबर क्या है? एट है, तो एट पे पेंसिल रख देनी है। फिर जंप कितने लगाने हैं, उसमें ऐड कितने करने हैं? एक ही, तो यहाँ पे नंबर लाइन में एक ही जंप लगाना है। एट से ये वन जंप, तो कौन सा नंबर आया? नाइन आया। सो नाइन इज अवर आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, टू प्लस सेवन। सबसे पहले यहाँ पे है टू, तो हमें पेंसिल रख देनी है टू पे, ओके, टू पे पेंसिल रख देनी है। फिर जंप कितने लगाने हैं? सेवन, यहाँ पे सेवन, तो हम यहाँ से सेवन जंप लगाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हमने सेवन जंप लगाए, तो क्या आया, कौन सा नंबर आया? नाइन, तो नाइन पे सर्कल कर देना है। नाइन इज अवर आंसर। टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन होता है, ओके। नेक्स्ट, टू प्लस फोर, क्या है ये? टू प्लस फोर, तो टू है सबसे पहला नंबर, तो उस पे मुझे रख देनी है पेंसिल। फिर जंप कितने लगाने हैं? फोर, तो आगे जाना है, हम फोर जंप लगाएंगे। यहाँ से वन टू थ्री फोर, तो ये कौन सा आया, कौन सा नंबर आया? सिक्स। सो सिक्स इज अवर आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स,
यहाँ पे सर्कल भी कर देना है और यहाँ पे वो नंबर लिख भी देना है. ओके, नेक्स्ट 3 + 6 क्या है ये? 3 + 6 सबसे पहला नंबर क्या है? 3 है, तो 3 पे पेंसिल रख देनी है. जंप कितने लगाने हैं? 6, तो हम आगे 6 जंप लगाएंगे. यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने लगाए 6 जंप. यहाँ हम पहुँचे ये नंबर पे, तो यहाँ पे सर्कल कर देना है. तो यहाँ पे 9 है, वो हमारा आंसर होगा. 3 + 6 = 9 होता है. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है 1 + 8 क्या है? 1 + 8 उसका आंसर हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो नंबर लाइन में सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर है, उसमें पेंसिल रख देनी है. यहाँ पे पहले कौन सा नंबर दिया है? 1, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल रखी 1 पे. फिर जंप में कितने लगाऊंगी? 8, यहाँ से 8 जंप. जंप भी आपने जहाँ पे पेंसिल रखी है वहाँ से ही लगाने हैं, 8 जंप. ओके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम कहाँ पहुँचे? कौन से नंबर पे पहुँचे? 9 पे. तो 9 पे कर देना है सर्कल और यहाँ पे भी लिख देना है 9. इट मीन्स कि 1 + 8 = 9 होता है. ओके, वैसे आपको आगे भी यहाँ पे दी है नंबर लाइंस. ओके, क्या है ये? 1 + 5 1 पे रख देनी है पेंसिल, जंप लगाने हैं 5. यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर पे हम आए? 6 पे. 6 पे कर देना है सर्कल और यहाँ पे भी लिख देना है 6. ऐसे आप ज़्यादा करते जाओगे प्रैक्टिस तो आपको भी स्पीडली अच्छे से आ जाएगा. उसके बाद है 3 + 4 सबसे पहला नंबर है 3, पेंसिल रख देनी है 3 पे, जंप लगाना है 4. यहाँ से 1, 2, 3, 4 कौन सा नंबर आया? 7, उस पर हम सर्कल कर देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे 7. ओके, नेक्स्ट 6 + 2 क्या है ये? 6 + 2 सबसे पहला नंबर है 6, पेंसिल रखनी है 6 पे, जंप लगाने हैं 2. 1, 2 वेरी इजी और ये आपको करने में मज़ा भी आएगा. यहाँ पे 6 यहाँ पे दिया है, सो हमने यहाँ पे रखी पेंसिल, जंप लगाए 2. 1, 2 तो नंबर कौन सा आया? 8, तो यहाँ पे भी लिख देना है 8. ओके, नेक्स्ट 5 + 5 5 पे रखनी है पेंसिल और जंप भी 5 ही लगाने हैं. यहाँ से 1, 2, 3, 4 and 5 तो आया यहाँ पे 10 आया. यहाँ पे भी लिख देना है 10. 5 + 5 = क्या होता है? 10 होता है. तो आपको ये याद भी रखना है, जब कहीं पे सम आए ऐसा कि 5 + 5 क्या होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 5 + 5 10 ही होता है. ओके, नेक्स्ट 2 + 2 क्या करना है? 2 + 2 आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं. सबसे पहले क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 हो गया. अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की अगर आए कि नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. ओके, तो क्या करना है यहाँ पे? 2 + 2 2 पे रखनी है पेंसिल और जंप लगाने हैं 2. 1, 2 कौन सा नंबर आया? 4, यहाँ पे भी लिख देना है 4. ओके, नेक्स्ट 2 + 6
टू प्लस सिक्स, टू पे रखनी है पेंसिल, जंप लगाना है सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कौन सा नंबर आया, एट, उस पे कर देना है सर्कल और यहाँ पे भी लिख देना है एट, इट मीन्स कि टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्री प्लस सेवन, क्या है थ्री प्लस सेवन, फिंगर रखनी है थ्री पे और यहाँ पे भी पेंसिल रख देनी है थ्री पे, फिर जंप कितने लगाने हैं सेवन, तो हम यहाँ से सेवन जंप लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कौन सा आया नंबर टेन, तो उस पर कर देना है सर्कल और यहाँ पे भी लिखना है वन ज़ीरो टेन। तो ये थी नंबर लाइंस, समझ में आया, नंबर लाइंस से हमने ये एडिशन किए। आप ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बट ये इजी ही है ना, और ये आपको करने में मज़ा भी आता है। ओके okay?